यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन है कंसीडर अ प्लेन एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फाइव एंड अ लाइन एक्स माइनस एक्स अपॉन टू वाई प्लस वन अपॉन थ्री जेड माइनस टू अपॉन फोर. देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन. ओके ये प्लेन है, इस पर लाइन कहीं इंटरसेक्ट करते हुए जा रही होगी, सपोज ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है. अब आपको ये बताना है कि इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है. तो ये क्वेश्चन सिंपल है, यानी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. तो अगर इस लाइन को हम देखें तो ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू लैम्डा, वहीं की वहीं कोशिश करिएगा. देखिए ये स्टेप मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप बिल्कुल छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखते हुए चलिएगा. दिस इक्वल टू लैम्डा, तो एक्स इक्वल टू टू लैम्डा प्लस वन, y इक्वल टू थ्री लेमडा माइनस वन, जेड इक्वल टू फोर लेमडा प्लस टू. अब ये लाइन क्योंकि प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही, तो ऑब्वियसली प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो आप रख दीजिए. तो टू लेमडा प्लस वन प्लस सिक्स लेमडा माइनस टू प्लस ट्वेल्व लेमडा प्लस सिक्स इक्वल टू फिफ्टीन. सारे लेमडा एक्स तरह कलेक्ट कर लीजिए, ट्वेंटी लेमडा. अच्छा ये हो गया कितना, माइनस वन यानी फाइव इक्वल टू ट्वेंटी इक्वल टू सॉरी इक्वल टू 10, क्योंकि यहां पर मिलेगा आपको 7 माइनस 2 प्लस 5 तो 10, तो लैम्डा इक्वल टू 1 बाय 2. अब लैम्डा की वैल्यू तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया कितना 1 बाय 2, 2 तो ये हो गया 2, कॉमा यहां रख दीजिए 3 बाय 2 माइनस 1 यानी 1 बाय 2, 1 बाय 2 कॉमा यहां रख दीजिए 4 बाय 2, 2, 2 प्लस 2 कितना 4. ये आ गया. अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताना, तो डायरेक्टली कर सकते हो 4 प्लस 16 प्लस 1 बाय 4 यानी ये हो गया 20 81, रूट ऑफ 81 बाय 4 मीन्स 9 बाय 2. दिस इज द राइट आंसर. क्लियर है बात, दिस इज द राइट आंसर. क्या करा आपने एक बार फिर समझ लीजिए, दिस इक्वल टू लैम्डा लिया, तो एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, वाई इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1, जेड इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 2. प्लेन की इक्वेशन में रखा, डायरेक्टली करते हुए चले, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 लैम्डा माइनस 2, 3 का किया तो 12 लैम्डा प्लस 6, 12 प्लस 18 20 लैम्डा ये 10, तो लैम्डा इक्वल टू 1 बाय 2. ये 1 बाय 2 यहां रखा तो ये मिला 2, यहां रखा तो 3 बाय 2 माइनस 1 दिस 1 बाय 2, यहां रखा 2 1 बाय 2 तो 2 प्लस 2 4. अब इसका डिस्टेंस 0 से तो 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 16, 16 प्लस 4 20, 20 इंटू 4 80, 81 बाय 4 इज 9 बाय 2 इज आर राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं पर अगर कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है तो कर लेंगे. लेट एफएक्स बी अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4. एफएक्स जो है वो नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इक्वेशन है. एक्सिमम पॉइंट ऑफ एफएक्स इज 0 माइनस 1 1 इफ एफके इक्वल टू f0 देन. आपको बताना है कि k की वैल्यूज क्या होंगी, मतलब रेशनल होंगी इरेशनल होंगी, इस तरह के ऑप्शन दिए थे. k has 1 रेशनल एंड 2 इरेशनल रूट्स, 4 रेशनल रूट्स, 4 इरेशनल रूट, 3 इरेशनल रूट, लाइक दिस. अब सबसे पहले याद रखिए कि आपको बोला है एक्सट्रीमम की वैल्यू 3 है, मतलब एफ डैश एक्स को जब 0 से इक्वेट करते हैं तो आपको 3 रूट्स मिलते हैं, 0 माइनस 1 और 1. ये जब ही पॉसिबल हो सकता है जबकि इक्वेशन ऐसी हो एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी लॉजिकली एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि पॉलिनोमियल है आपको नहीं पता कि इसके साथ कॉन्स्टेंट कुछ हो सकता है. तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो होगा वो लॉजिकली ऐसा बोल सकते हैं लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, जब ही एफ डैश एक्स के साथ थ्री रूट्स मिल सकते हैं, राइट. अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हुआ. एफ डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉजिकली देखें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसा हो गया ये. अब क्या करेंगे, तो सिंपल है वाई इक्वल टू, अगर मैं इसको चाहूं तो सॉल्व कर सकता हूं, इंटीग्रेट कर दूं तो एक्स फोर बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ऑफ कैपिटल सी. एंड वाई मीन्स एफ एक्स. एफ जीरो इक्वल टू के, अगर यहां पर जीरो रख दूं मैं तो वो किसके इक्वल है, एफ, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर एक्स की जगह जीरो लिख दें हम मिलेगा, देखिए जीरो जीरो रख दें तो सी का वैल्यू जो आ गया वो इक्वल टू एफ के होगा. तो ठीक है ये आ गया, देखिए कितना, सबसे पहले समझिएगा, पहले तो इक्वेशन आ गया हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स पावर फोर बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी. अब आपको बोला एफ जीरो, तो एफ जीरो जब मैं बोलूंगा तो ये पूरा जीरो तो ये आ जाएगा सी, और जब मैं बोलूंगा एफ के तो आप कुछ ऐसा बोलेंगे लेमडा इंटू के पावर फोर बाय फोर माइनस के स्क्वायर बाय टू प्लस सी, और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब सी कैंसिल,
तो ऐसा बोल सकते हैं लैम्डा इंटू के पावर 4 माइनस 2 के स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0, सब कैंसिल हो गया तो के स्क्वायर कॉमन, तो के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो के की एक वैल्यू आ गई 0, एक आ गई प्लस माइनस रूट 2, यानी 2 इरेशनल रूट और एक रेशनल रूट, के इज 1 रेशनल एंड 2 इरेशनल रूट। कितना अच्छा क्वेश्चन था समझने वाला। इसमें बोला गया, इसमें आप उलझ सकते थे कि लेट एफएक्स बी अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पर अगर आप थोड़ा सा वर्ड पढ़ते तो क्लियर हो जाता है। एक्सट्रीमम पॉइंट आपने फंडामेंटल किया होगा तो आपको बनेगा एफएक्स इज 0 माइनस 1 1 इफ एफ के इक्वल टू एफ 0 देन। तो एक्सट्रीमम मतलब होता है कि एफ डैश एक्स 0 पर आपको 3 रूट्स मिल रहे हैं, ये रूट्स मिल रहे हैं तो यानी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स, तो इस तरह की इक्वेशन होगी। पर क्योंकि कुछ हो सकता है तो हमने लैम्डा टाइम्स ले लिया। अब इस डीवाई बाई डीएक्स ये दिया है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया तो ये आ गया। अब एफ 0 निकाला, सी एफ के निकाला, दोनों को इक्वेट किया, सी कैंसिल, तो आपको इस पे के की वैल्यू मिल गई। राइट, नोट डाउन क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कर्व y इक्वल टू fx इक्वल टू x क्यूब प्लस ax माइनस b पासेस थ्रू 1 माइनस 5 एंड टेंजेंट टू fx एट पॉइंट p, वही पॉइंट होगा p, वहां पे भी लिखना p इज परपेंडिकुलर टू x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लाई ऑन द कर्व। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, पहले तो एक कर्व y इक्वल टू fx इक्वल टू दिया हुआ है कितना x क्यूब प्लस ax माइनस b। राइट, अब fx मतलब y होता है, यहां पर आपने रखा माइनस 5 इक्वल टू 1 प्लस ए माइनस बी, देयरफॉर ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 6, एक इक्वेशन ही आ गई। अब इसका स्लोप देखो, इस लाइन का स्लोप है 1, तो इसका मतलब इसका स्लोप करेंगे जब एफ डैश एक्स, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस 1। अब पासिंग थ्रू क्योंकि वो पॉइंट से पास हो रहा है तो माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस ए, देन ए इक्वल टू माइनस 4, ए का वैल्यू माइनस 4 रख दो तो बी का वैल्यू आ गया 2, ए माइनस 4 बी 2, देयरफॉर हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 2। अब देखिए कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे सपोज ए रखा 2, तो 8 माइनस 8 माइनस 2, ये कैंसिल माइनस 2 y की वैल्यू भी, ये ही करेक्ट आंसर हुआ। राइट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जो है एक पॉइंट से पास हो रहा है 1 माइनस 5 और उससे अगर हम टेंजेंट लेते हैं तो वो इसके परपेंडिकुलर है, तो पासिंग थ्रू से एक कंडीशन मिल गई और एक परपेंडिकुलर है, तो इसके स्लोप और इसके डिफरेंशिएशन का स्लोप को माइनस 1 से मतलब एम 1 एम 2 इक्वल टू माइनस 1 से कंपेयर किया तो ए मिला, ए मिला तो बी मिल गया, कर्व का इक्वेशन आ गया, फिर किस पॉइंट से पास हो रहा है वो इजीली आप ऑप्शन से बता सकते थे। राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इफ लेट ए 1 ए 2 ए 3 अप टू ए 50 आर नॉन कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ एन ए पी एंड सम ऑफ एन टर्म इज गिवन बाय, देन ऑर्डर पेयर डी कॉमा ए 50 वेयर डी इज डिफरेंस, लिखा हुआ था डी इज कॉमन डिफरेंस। अब देखिए एस एन दिया हुआ ये आपको, सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक तो आपसे पूछा ए 50, ए 50 पूछा है मतलब टर्म पूछा है, तो टी एन क्या होता है, टी एन क्या होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, इससे हमारे को काफी कंफ्यूजन मिल जाएंगे क्योंकि 1 रख देंगे 2 रख देंगे तो डी भी मिल जाएगा, तो एस एन मतलब यही की यही सेम 50n प्लस n n माइनस 7 इंटू ए बाई 2, थोड़ा केयरफुली करिएगा जिससे मिस्टेक होने के कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, एस एन माइनस 1 करेंगे तो 50 इंटू n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 8 a बाई 2। अब देखिए क्या होगा, आप इसमें से 50 कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा tn 50 कॉमन लिया तो यहां मिलेगा n माइनस n प्लस 1, यहां से आपने सपोज n बाय 2 कॉमन लिया, सॉरी ए बाई 2, तो ये मिला एन स्क्वायर माइनस 7n, यहां पर कितना मिलेगा माइनस ऑफ n, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 9n प्लस 8, तो माइनस का आएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8, बस ये ध्यान रखिएगा। तो tn आपको एक तरह से मिलेगा 50 प्लस 50 प्लस ए बाई 2 एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल 9n, ये बचेगा 2n माइनस ऑफ 8, चाहो तो आप 2 कॉमन निकाल के कैंसिल भी कर सकते हो, तो a इंटू एन माइनस 4, ये मिल गया tn। अगर मुझसे बोला जाए a 50 तो मैं 50 यहां रख दूं तो 50 पे मिलेगा 50 प्लस 46 a, देखिए कोई है क्या 50 प्लस 46 a, ये 50 प्लस 46 ए, डी निकालने की जरूरत ही नहीं है, इन क्वेश्चन हो गया।
राइट 50 प्लस 46 है, पर अगर आपको निकालना होता तो आप निकाल सकते थे, क्योंकि अगर आप यहां पर लिख देते 1 तो आपको फर्स्ट टर्म मिलता कितना 50 माइनस 3 आप 2 रख देते तो कितना मिलता 50 माइनस ऑफ 2a, और t2 माइनस t1 जब करते आप तो आपको मिलता a, तो देखिए d भी आ गया a, t2 माइनस t1 क्या होता है d, तो ये आ गया, पर आपने यहीं पर कंक्लूजन दे दिया, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, sn दिया था तो tn sn माइनस sn माइनस 1 से निकाला तो ये आ गया, अब यहां पर 50 बोला तो 50 रख दिया और d पूछा था तो 1 और 2 से हमने d निकाल लिया, पर d की जरूरत नहीं पड़ी थी, राइट ऑन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/x प्लस x की पावर लॉग बेस 8x होल पावर 6 इफ t4 इक्वल टू 20 इनटू x पावर 7 देन वैल्यू ऑफ x बतानी है, यानी फोर्थ टर्म बताना है इसका। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है a पावर लॉग बेस ax हो तो x और a पावर m log बेस ax हो तो x पावर m, ये हम यूज करेंगे क्योंकि इसी फॉर्म में दिया है, तो इसका मतलब यहां पर अगर 8 के टर्म में बना लेंगे तो क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अगर मैं इसका फोर टर्म बोलूं तो फोर टर्म मतलब 3 प्लस 1, देन दिस इज 63 2/x का पावर 3 x log बेस 8 x का पावर भी 3 दिस इक्वल टू 20 इंटू 8 पावर 7 63 20 होता है कैंसिल। अब देखिए आपको एक तरह से मिल गया 2/2 का क्यूब मतलब 8 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स लॉग बेस 8x का होल क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 8 की पावर 6, ये 8 भी कैंसिल। अब आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स लॉग बेस 8x का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2 के क्यूब की पावर 6, ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी अब आप इसका क्यूब रूट ले लें तो ऐसा मिलेगा x बस log 8x इक्वल टू x इंटू 2 की पावर 6। अब यहां चाहें तो आप log ले लें चाहें तो ऑप्शन पुट कर दें, जैसे अगर मैं मान लीजिए सपोज ये वाला ऑप्शन लू, हाफ वाला नहीं लेते पहले 8 स्क्वायर वाला लेते हैं, तो अगर मैं 8 स्क्वायर वाला लू तो देखिए 8 की पावर 2 log बेस 8x तो 8 की पावर 2 यहां पर भी आएगा इक्वल टू 8 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6, राइट। अब इसको एक चले तरह से चाहें तो आप 2 की पावर इसे भी 6 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 12 आ जाएगा, तो देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 8 की पावर आपको मिलेगा ऐसा, 8 की पावर ऐसा मिलेगा 8 2 log बेस 8 का स्क्वायर, यानी बेसिकली हम बोल सकते हैं ये सेम हो जाएगा तो 8 स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 मिस 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 इक्वल टू 2 की पावर 12, तो यही करेक्ट आंसर हो गया, कोई जरूरत ही नहीं अगला को चेक करने की, यही एक करेक्ट आंसर हो गया, राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन।